खबर में हूँ आपके साथ इंशा नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरखाबाद से। दबंग प्रधान का कांवड़ियों पर कहर, देर रात कांवड़ चढ़ाकर वापस आ रहे कांवड़ियों पर दबंग प्रधान ने बोला हमला। खबर यूपी के फरखाबाद से बता रहे हैं। कांवड़ी कांवड़ चढ़ाकर आ रहे थे वापस, वहीं बता दें गांव में लगे हैंडपंप से पानी पीने लगे थे। दबंग प्रधान ने कांवड़ियों को पानी पीने से रोका। कहां सुनी के बाद दबंग प्रधान ने ग्रामीणों को बुलाकर कांवड़ियों के साथ जमकर मारपीट की, चलाए लाठी डंडे ईंट पत्थर। दबंगों की मारपीट से करीब एक दर्जन कांवड़ी घायल हुए। थाना अमृतपुर क्षेत्र के राजपुर का ये पूरा मामला है। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? हम गोला गोकर्णनाथ थे, अपनी कांवड़ यात्रा को लेके हम लोग निकल रहे थे। कहाँ के निवासी हो आप? हम गाजीपुर चिकटिया थाना मिर्जापुर से हैं। अच्छा, मिर्जापुर से हैं। क्या वाद विवाद हुआ आपका? हमारा वाद विवाद कुछ भी, हम लोग नॉर्मली आ रहे थे, मोड़ थी राजपुर में। हाँ। आराम से मोड़ी। हाँ। फिर मोड़ने के बाद हम लोगों ने, कितने लोग थे आप लोग? हम तो कम से कम 40-41 लोग थे। अच्छा, तो आप पर हमला किसने किया? हमला हमारे ऊपर नहीं, हमारे ड्राइवर के ऊपर हमला कर दिया। किसने किया है? किसने किया है? एक बंदा था वहीं पे। अच्छा, पिए धुत था वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उसने ड्राइवर के ऊपर जब हमला कर दिया तो सारी सवारियां खतरे में आ जाएंगी। तो ड्राइवर ने डायरेक्टली रोक के प्यार से हम लोगों ने जाके पूछा। अच्छा, हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई साहब, हमने भैया बताओ क्या बात हो गई जो तुमने डंडा चला दिया, अभी पूरी ट्राली पड़ जाती है। बताया जा रहा है पत्थरबाजी भी हुई? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना सारी बात। लेडीजों की पत्थरबाजी? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुको। तो सबसे बड़ी बात कहाँ पे था भाई, जो हमने उससे पूछा तो डायरेक्ट उसने थप्पड़ पे वार कर दिया। अच्छा, आप पर? हाँ, हमारे ऊपर नहीं, हमारे ये चाचा खड़े हुए हैं। हाँ। इनके ऊपर थप्पड़ पे वार कर। आपका क्या नाम है दादा? मेरा नाम विजय कुमार राठौर। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? गाजीपुर सिकटिया। अच्छा, तो वहाँ से आप कांवड़ यात्रा गोला गोकर्णनाथ से लिया? गोकर्णनाथ से हम चल चला के वापस आ रहे थे। अच्छा, तो आप पर हमला कहाँ हुआ है? हमला राजपुर में। राजपुर में हुआ है? किसने किया है पता है आपको? नहीं, उनका नाम पता, हम तो साहब जानते नहीं, हम तो बाहर के आदमी हैं। अच्छा, तो क्या किस बात को लेकर वाद विवाद होने लगा? कुछ नहीं साहब, हम लोग जा रहे थे, गाड़ी जैसे ट्रैक्टर स्लो किया तो शराब के नशे में था। हाँ। तो उसने सीधे डंडा चला दिया ट्रैक्टर पे ड्राइवर के ऊपर। अच्छा, डंडा चला दिया तो हम लोगों ने पूछा भैया क्यों, क्या बात है, क्यों लाठी चला रहे हो? जब ये इतनी बात की तभी वो हम लोगों पर लाठी चला, बताया जा रहा है, उतरे तभी वो थप्पड़ और लाठी सब कुछ, फिर उनके घर से सब लोग आ गए, तो मतलब लाठी डंडे इस तरीके से बरसाया जिससे मतलब जो है ये लड़का जो है। कितने लोगों के चोटें आई हैं? चोटें लगभग 5-6 लोगों के आई हैं। अच्छा, हल्की की गंभीर चोटें 2-3 लोगों के आई हैं। अच्छा, ये लड़के को पकड़ के ले गए, बताया चल रहा है, ईंटा पत्थर भी चला है। ईंटा पत्थर, उसके बाद जब मतलब जो है जब हम लोग वहाँ से भागे, जब वो पकड़ी ले गए जाए, हम बंदे छुटा के भागे उधर से। अच्छा, तो ऊपर से ईंटा पत्थर इस तरीके चले, अभी भी मेरी ट्राली पे करीब 200 ईंटें पड़ी होगी। अच्छा ठीक है, मेरी ट्राली पे पड़ी। आपने थाने में तहरीर दे दी है? थाने में तहरीर दी और कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। आगे देखो क्या होता है, एक्शन होगा।